जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपकी जो एग्जाम को लेकर जो स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप अपने लक्ष्य के काफी करीब होंगे। इसी आशाओं के साथ में हम आज की क्लास करेंगे। हम कर रहे थे राजस्थान की पुलिस के लिए और विभिन्न प्रकार के एग्जाम जो राजस्थान हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट हो, चाहे सेंट्रल लेवल के हो, जिसके अंदर महिला और बाल अपराध से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हो, तो हम उसके लिए ये सीरीज कर रहे थे। और मोस्टली ये डेडिकेटेड राजस्थान पुलिस के लिए, जहां पे 10 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे, जो 10 नंबर के होंगे और हमारी सफलता के लिए काफी मदद करेंगे। जो हम करने जा रहे हैं महिला बाल अपराध से संबंधित ये टॉपिक या सीरीज, जिसके अंदर हमने काफी महिलाओं से संबंधित धाराएं, कई नियम अधिनियमों की चर्चा की, जो महिलाओं को ऊपर होने वाली हिंसाएं या उनके होने वाली आपराधिक घटनाएं, जिनको ये सुरक्षित करती है इन अधिनियम या धाराओं के तहत। और आज हम करने जा रहे हैं इसी श्रृंखला के अंदर एक और इम्पोर्टेंट महिलाओं के संबंधित अधिनियम, जो है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, PCPNDT अधिनियम 1994। इसकी चर्चा हम आज इस क्लास के माध्यम से करेंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम के अंदर काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर कि ये अधिनियम क्या होता है, इस अधिनियम के तहत किस चीजों को बाउंड किया गया है, किस प्रकार के इसके अंतर्गत कौन कौन से जो तथ्य, कौन कौन सी जो जांचें हैं, कौन कौन से जो प्रावधान है इस अधिनियम के दायरे के अंदर रखे गए हैं, तो उसी के आधार पर हम आज की इस क्लास को करेंगे। तो सबसे पहले ये PCPNDT अधिनियम 1994 ये क्या है? ये एक संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंदर रखता है। इस अधिनियम के तहत अगर किसी भी प्रकार का जो अपराध हुआ है या किसी भी प्रकार का दोषी अगर पाया जाता है, तो वो एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंदर आएगा। यह संसद द्वारा एक पारित अधिनियम है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1996 को परसों पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 के तहत ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया है। 1 जनवरी 1996 के अंदर एक इसके अंदर और अधिनियम जोड़ा गया, परसों पूर्व निदान तकनीकी। परसों पूर्व निदान तकनीकी से आप लोग समझते होंगे कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म होने से पूर्व उस गर्भ का प्रशिक्षण किया जाए, उसकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि वो लड़का है या लड़की, अगर अनवांछित अगर किसी प्रकार का भ्रूण अगर है, तो वो स्त्री या पुरुष या उसके परिवार या नाते रिश्तेदार उस गर्भ, उस जो प्रसव है, उसको समय पूर्व निदान करा दे। तो इस निदान को करने के लिए या इसको जांच करने के लिए या इस ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से ऐसा जो प्रसव होने से पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाए, तो इस प्रकार की जितनी भी जो तकनीकें हैं इनको भी इस अधिनियम के दायरे के अंदर 1996 के अंदर लाया गया, 1 जनवरी 1996। तो आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर हमें पूछ लिया जाए कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग, ये इस पूर्व गर्भाधान और अधिनियम 1994 के अंदर कब जोड़ा गया, तो ये 1 जनवरी 1996 को अंदर जोड़ा गया था। ये अभी ये दोनों मिलाकर एक ही अधिनियम है जो 1994 के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया है जो किसी भी प्रकार के भ्रूण का परीक्षण करती हो या ऐसा प्रसव पूर्व ही ऐसी कोई तकनीकी का प्रयोग करके उसको नष्ट कर दिया जाता हो, तो इस प्रकार का जितना भी जो करते हैं या कार्य है वो कानूनी अपराध ठहराया गया है इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है जन्म पूर्व निदान तकनीकी को उपयोग का उपयोग निम्नलिखित विकारों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इस अधिनियम के द्वारा कुछ जांचें या कुछ इस प्रकार की जो टेस्ट है या इस प्रकार की टेस्ट जांच जिनको इस दायरे से बाहर रखा गया है, जिनके तहत जो गर्भ का प्रशिक्षण किया जा सकता है, इन तकनीकी के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है, वो विभिन्न और विशेष प्रकार की परिस्थितियों के अंदर किया जा सकता है। इन परिस्थितियों को ये परिस्थितियां लागू होती है या नहीं होती है, ये एक सक्षम जो चिकित्सक होता है उसके रिटर्न में होने के बाद ही इस प्रकार की जो जांच है वो की जा सकती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी जो जांचें हैं जिनको इस अपराध से बाहर रखा गया है और किस प्रकार की जांचों के लिए, किस प्रकार के कार्यों के लिए इस प्रकार की जांचें की जा सकती है, कौन कौन से रोग का निदान करने के लिए या रोगों का पता लगाने के लिए इस अधिनियम से बाहर जाकर तकनीकी प्रशिक्षण
या परीक्षण कराया जा सकता है, तो इसके अंदर सबसे पहला है गुणसूत्र संबंधी विकृति। अगर किसी भी पुरुष या महिला के अंदर अगर जीन्स को लेकर अगर किसी प्रकार की विकृति या उसके अंदर त्रुटि है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी जांच अगर करने के लिए अगर भ्रूण का परीक्षण करना पड़े तो वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक उपापचय रोग। इस प्रकार के जो रोग जो उपापचय क्रियाओं से संबंधित हो, जो हार्मोन से संबंधित हो, उपापचय क्रियाओं से संबंधित हो, जो आनुवांशिक हो, जो मतलब मदर फादर से पुत्र के अंदर, पुत्र पुत्री के अंदर और पुत्र पुत्री के द्वारा उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर जो कैरी करने वाले जो लक्षण होते हैं या रोग होते हैं या जो विशेष प्रकार के जो इसके अंदर हम बोल सकते हैं आनुवांशिक लक्षण, चाहे वो रोग के हो चाहे किसी भी प्रकार के हो, अगर वो कैरी फॉरवर्ड अगर हो रहे तो इन उपापचय क्रियाओं को इस के द्वारा जांच की जा सकती है, इनका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है रक्त वर्णिका रोग। अगर ब्लड से संबंधित या ब्लड का जो वर्णक है उससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का रोग का पता लगाने के लिए अगर भ्रूण का परीक्षण करना पड़े तो उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग। अगर लिंग संबंधी लैंगिक तौर पर अगर किसी भी प्रकार का आनुवांशिक जो रोग है या कोई आनुवांशिक डिजीज है जिसका पता अगर लगाना हो तो इस प्रकार का भ्रूण परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन वो आनुवांशिक रोग होना चाहिए और लिंग संबंधी भी हो सकता है। नेक्स्ट है जन्मजात विकृतियां। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई भी स्त्री है जिसके जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर अगर जन्मजात कोई विकृति पैदा हो रही है पहले से और अगर उस विकृति को दूर करने के लिए इस प्रकार के भ्रूण की अगर परीक्षण करना पड़े तो वो किया जा सकता है, वो कानूनी दायरे से बाहर रहेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड है उसके द्वारा जो बनाई हुई जो लिस्ट है जिसके अंदर किए हुए जो प्रावधान है, जो संसूचित अन्य असमानताएं हैं जो इस दायरे से बाहर है और इनका परीक्षण किया जा सकता है तो वो इसके अंदर शामिल है। अब इनकी जांच करने के लिए कौन परमिशन दे सकता है और किन परिस्थितियों के अंदर परमिशन देगा और उनका कौन डिसीजन लेगा कि ये परिस्थितियां लागू हो रही है या नहीं हो रही है, तो इनके लिए डॉक्टर ये सुनिश्चित करेगा कि गर्भवती महिला के भ्रूण की जांच किया जाने योग्य है या नहीं। अगर डॉक्टर बोलेगा कि किया जाना चाहिए तो उसका परीक्षण किया जा सकता है, अगर डॉक्टर ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है नहीं करने की तो फिर उसके उपरांत अगर किया गया परीक्षण कानूनी अपराध के दायरे के अंदर रहेगा और उसके ऊपर कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बचा हुआ इसका पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आपने पहले जो पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी हम चलते हैं इसके अंदर। मैंने बताया पहले आपको चिकित्सक ये सुनिश्चित करें कि महिला के भ्रूण की जांच की जाने योग्य है या नहीं, यह निश्चित कौन करेगा, चिकित्सक करेगा, डॉक्टर करेगा, उसकी सलाह के उपरांत ही या उसके रिटर्न में देने के बाद ही हम निम्न प्रकार के जितने भी जो जांच है वो करवाई जा सकती है और वो इस अधिनियम के दायरे से बाहर होगी। तो इसके बाद में ये जो चिकित्सक है वो किन आधार पे, क्योंकि वहां पे जो जांच होगी वो चिकित्सक के रिटर्न में या उसके जो जांच या जो दायरे के अंदर आ रहा है उसके आधार पर की जाएगी, लेकिन चिकित्सक है वो भी किस आधार पर इसकी परमिशन दे सकता है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जो हमारे लास्ट हैं, इनको हम पढ़ते हैं आगे। गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक हो, चिकित्सक कब इस भ्रूण की जांच करने की परमिशन दे सकता है या वो समझ सकता है कि ये जांच करने योग्य है या नहीं, जब स्त्री की जो आयु है वो 35 वर्ष से ऊपर हो, गर्भवती स्त्री के दो या दो से अधिक स्वत गर्भपात हो चुके हो। अगर कोई भी स्त्री है जिसके दो या दो से अधिक स्वत गर्भपात हो चुके हो ऐसी स्थिति के अंदर दे सकता है। गर्भवती स्त्री नशीली दवा संक्रमण या रसायनों जैसे सशक्त विकलांगता पदार्थों के संसर्ग में रही हो, अगर कोई भी स्त्री या कोई भी महिला जो गर्भवती है लेकिन वो नशीली दवाओं का संक्रमण उसके अंदर हो रखा हो या नशीली दवाओं की एडिक्टेड हो या ऐसे किसी भी प्रकार के जो रसायन जो बॉडी को हार्मफुल हो या भ्रूण को हार्मफुल हो या इनके द्वारा या इनका उपयोग करने के पश्चात अगर सशक्त विकलांगता अगर उस स्त्री या महिला के अंदर आ गई हो या ऐसे पदार्थ आने वाले जो विकलांगता आ सकती है ऐसे पदार्थों के संसर्ग या उसके साथ में रही हो तो भ्रूण की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता। अगर जो गर्भवती स्त्री है या महिला है उसका या उसके पति का जो मानसिक मंदता हो यानी कि वो मंदबुद्धि हो मेंटली या संस्तब्धता जैसे किसी विकार या किसी आनुवांशिक रोग या पारिवारिक इतिहास हो,
रोग का पारिवारिक इतिहास हो या इस प्रकार की मंदता, इससे संबंधित और किसी भी प्रकार की जो रुग्णता जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हो, ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा रोग या ऐसी समस्या, और इस समस्या से उसका परिवार है पहले से ग्रस्त हो, तो वहां पे भ्रूण की जांच की जा सकती है ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो। और नेक्स्ट जो हमारा है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा संसूचित कोई अन्य अवस्था में, अगर जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड है जो इसके ऊपर कंट्रोलिंग करता है वो भी कुछ प्रावधान उसके अंदर दिए हुए हैं, उन प्रावधानों के अनुसार भी इसके अंदर अगर कोई भी अवस्था पाई जाती है जिसके कारण से डॉक्टर है जो इसकी जांच की परमिशन दे सकता है। नेक्स्ट है, अगर इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्त्री जो पति पत्नी जिनका भ्रूण खुद जांच करवा रहे हैं वो हो, चाहे उनके अलावा किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कुछ सजा का प्रावधान किया गया है इसके अंदर, तो उसकी क्या परिभाषित किया हुआ है उसको, या उसमें क्या परिभाषा दी हुई है, या कौन कौन व्यक्ति है जिनको सजा दी जा सकती है इस कानून के तहत। पति पत्नी सहित जो गर्भ की जांच करवाने गए पति पत्नी जोड़े सहित चिकित्सक, वो सारे व्यक्ति जो इस कृत्य के अंदर संलिप्त पाए जाते हो, जैसे कि पति पत्नी, उसके परिवार का कोई सदस्य, डॉक्टर, जो लेब कर्मी या अन्य किसी भी प्रकार का कर्मचारी जो इस कृत्य से संबंध रखता हो या इस कृत्य के अंदर संलिप्त पाया जाता हो, तो उसके ऊपर 3 से 5 साल का कारावास और 10 से 50 हजार रुपए के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित करने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। और मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि ये जो पूर्व गर्भाधान में प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1994 संशोधित अधिनियम है, और यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था आपको 1996 के द्वारा इसके अंदर ये पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT इसके अंदर जोड़ा गया था। और यहाँ पे अगर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है ही, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए PCPNDT ACDT अगर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म इसकी अगर पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे PCPNDT ACDT इसको आप आपस में रिलेट करके भी याद रख सकते ताकि आपको इजीली याद रह जाए। इसका फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपको एग्जाम में कहीं पूछ भी लिया जाए तो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपका गलत नहीं हो क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने आज पूरा किया हमारा पूर्व गर्भाधान में प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1994 को पूरा। और यहाँ से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बनता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा उनकी तरफ भाग रहे हैं जो आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, वो आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे, 100 क्वेश्चन करा देंगे, 1000 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन वहां से आप 100% जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वो का वही आए, क्योंकि मैंने मेरे पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर भी आप लोगों को बताया है, हाँ क्वेश्चन कराएंगे, मैं भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन तब कराऊंगा जब पहले आपको इस टॉपिक के बारे में गहन अध्ययन करवा दूं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे दूं, ताकि यहां से हम खुद क्वेश्चन बनाएंगे और हम खुद उसका आंसर करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको बिना पढ़े हुए अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप खाली एक जो क्वेश्चन किया वही आपको बोर्ड जो हमारा एग्जाम हॉल होगा वहां पे याद रहेगा, अगर वो एटजीट अगर पूछ लिया तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, अदरवाइज आप इर्द गिर्द भी कुछ पूछा तो आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से इसलिए बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ना पढ़ के आप टॉपिक को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप खुद क्वेश्चन बना लेंगे और आपका खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन आपको पूरा उसमें नॉलेज रहेगा कि यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, एक नहीं तो इसके अलावा भी जो बन रहे हैं उसकी भी आपको जानकारी रहेगी, और वहां से आपका क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे, आगे बने रहिए और लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने एक और अधिनियम जो महिला और बाल अपराध से संबंधित होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध भी होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, अगर आपको लगता है कि इस क्लास को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आपकी मर्जी, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि उसी के आधार पर हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे और आप लोगों को अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।